हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको टेक माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब में फेस कैम वीडियो बना सकते हो तो आपका जो फेस का जो वैल्यू है वो क्रिएट होता है, और फ्रेंड्स लाइफ टाइम आपका जो फेस का वैल्यू है वो यहाँ पे रहता है। एक बार फ्रेंड्स अगर आपका जो चैनल है वो अगर ग्रो हो जाता है तो ऐसे फेस कैम वीडियो बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है चैनल, बहुत कम लोगों का चैनल जल्दी से ग्रो होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाए ना तो फ्रेंड्स आपका जो लाइफ टाइम आपका ये वैल्यू रहता है। सो फ्रेंड्स, ये भी प्रॉब्लम आता है बहुत लोगों को कि कैमरा फेस करना नहीं पाते या फिर अच्छे तरीके से कैमरा के सामने बोल नहीं पाते, बहुत सारा दिक्कत आता है उन्हें, सही चीज़ बोल नहीं पाते। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे भी पहले पहले बहुत दिक्कत होता था, लेकिन आप बहुत आसानी से मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, मुझे कैमरा से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों को कैमरा से दिक्कत है उन लोगों के लिए आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कैमरा के फेस नहीं कर सकते, फेस दिखा नहीं सकते, तो फ्रेंड्स आप अगर वीडियो बना भी नहीं सकते, सिर्फ एडिटिंग का स्किल फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो भी आप यूट्यूब में वीडियो बना के आपके चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। हालांकि ऐसे टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आप मोनेटाइज ज़रूर कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सिर्फ आपका जो वॉयस है उसको आप दो, और इस वॉयस ओवर के साथ फ्रेंड्स आप दूसरों की जो वीडियो कंटेंट है वो आपके चैनल पे उठा उठा के आप डालो। इस पर थोड़ा आप सिर्फ एडिटिंग करो, बहुत अच्छी तरीके से आपकी चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रेंड्स इस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा था, जो रीयूज़ कंटेंट यूट्यूब में। अभी फ्रेंड्स जो रीयूज़ कंटेंट है इसके ऊपर यूट्यूब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो शक्ति है उसको यहाँ पे कम किया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो वीडियो बनाओगे जिसमें आपका रीयूज़ कंटेंट बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल एक लाइन पे आप समझ सकते हो इस चीज़ को फ्रेंड्स। सो मैं इस चीज़ को डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस रीयूज़ कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। रीयूज़ फ्रेंड्स कब यूट्यूब मानता है कि ये चीज़ रीयूज्ड है, मानो दूसरे ने किसी एक बार या फिर आपने आपकी किसी भी वीडियो को एक बार आपने यूट्यूब में अपलोड कर दिया, उसे सेम वीडियो को आपने दोबारा अपलोड कर दिया, तो फ्रेंड्स ये एक बार अपलोड हो चुका है यूट्यूब में, इसको अगर आप दोबारा अपलोड करोगे तो ये हो जाता है रीयूज़। तो अगर आप दूसरे किसी का कंटेंट को यूज़ करते हो जो उन्होंने एक बार यूट्यूब में डाल भी दिया है, उसको अगर आप दोबारा से यूज़ करते हो, सेम एज इट इज़ यूज़ करते हो, तो इस पर आपको रीयूज़ आएगा ही आएगा। और बहुत लोगों का ये सिर्फ प्रॉब्लम फ्रेंड्स हो रहा है, रीयूज़ कंटेंट की वजह से उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। आप किस तरीके से फ्रेंड्स आप YouTube ने जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में जो ये जो रीयूज़ वाला जो चीज़ें बताया, किस तरीके से आप ये कर सकते हो, आपने मानो किसी दूसरों का वीडियो फुटेज आप यहाँ पे उठा सकते हो। अगर आप डाउनलोड करो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नहीं करो तो एक मोबाइल पे जा आप उसे ऑन करो और दूसरे मोबाइल से आप शूट कर दो, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स उनकी जो मानो पॉपुलर किसी आपने यूट्यूबर को उठाया, उनकी जो वीडियो फुटेज उनको आपने उठाया, और आप क्या करो उसकी जो वॉयस है उसको आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप उसको म्यूट कर दो, और आपकी खुद की जो वॉयस है उस पर आप वॉयस भर दो, उन्होंने क्या किया उस पर आप रिएक्ट दो, ठीक है, उसको आप बताओ। तो ये चीज़ करके या फिर थोड़ा सा एडिटिंग करके इसके साथ आप खुद का जो फेस है वो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप जुड़ सकते हो, या फिर एडिटिंग के द्वारा आप उसे एक अलग सा कॉन्टेंट बनाओ। इसके बाद आप जब डालोगे तो आप रीयूज़ का कोई भी प्रॉब्लम मसला नहीं आएगा। ये चीज़ मैं बताता हूँ, एडिटिंग जो है ना फ्रेंड्स इसको यूट्यूब नहीं मानता, एडिटिंग कोई क्रिएटिविटी नहीं है, यूट्यूब आपका क्रिएटिविटी चाहता है। किसी भी वीडियो पे आप हूबहू दूसरे की नकल आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी कंटेंट उठाओ, मानो आपने कंटेंट उठाया आपने उनकी वॉइस को रिमूव किया या फिर आपने उनकी फेस को रिमूव किया, फेस को रिमूव करके आपका फेस दे दिया वॉइस उनका है, या फिर वॉइस को रिमूव कर दिया और वॉइस आपका है फेस उनका है, तो इस तरह किसी भी चीज़ पे आप थोड़ा यहाँ पे अदल बदल करो। थोड़ा ये चीज़ अगर आप एडिटिंग के द्वारा कर सकते हो तो आपके कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ पे रहता है कि जिनका कंटेंट आपने उठाया है वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे, वो अगर आपको यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह नहीं देंगे, हालांकि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं उसे देते नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस में उनका जो फैन फॉलोइंग होता है कि वो दूसरे को इतना तकलीफ देंगे, नहीं देते, दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अगर आप कर सकते हो ना, या फिर डिस्क्लेमर में भी आप यहाँ पे डाल देना, जो कॉपीराइट जो डिस्क्लेमर वगैरह है वो आप डाल देना, तो यहाँ पे और अगर आप फ्रेंड्स उनकी जो परमिशन है वो लेके अगर वीडियो बना सकते हो फिर तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत आसानी से जो रीयूज़ कंटेंट का जो प्रॉब्लम है इससे आप बच सकते हो, और आपका ये जो वीडियो है फ्रेंड्स बिल्कुल ये वीडियो
मोनेटाइज भी होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा कि रियूज कंटेंट को किस तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो। किसी भी आपका जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे ऐड करो वीडियो पे, थोड़ा एडिटिंग करो साउंड को, फेस को, या फिर कुछ भी आप थोड़ा सा एडिटिंग करके अगर आप इसे री अपलोड करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो में बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद।